हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताने जा रही हूँ फिर से आप लोगों को कुछ अलग, कुछ नया रेसिपी। जी हाँ, कभी कभी हमारा मन ऐसा होता है कि जैसे कुछ अलग खाने का मन करता है, जिस टाइम सब कुछ होते हुए भी जो मन कब क्या कर जाए नहीं पता। तो आज मैं जो चीज़ बताने जा रही हूँ आप लोगों को, ये कुछ यूनिक सा है। ये हमारे घरों में एनी टाइम अवेलेबल रहता है, सबके पास होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका यूज किया जाए। और जी हाँ, मैं बता दूं आप लोगों को, चना दाल का तड़का। चना दाल का तड़का आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये ऑल राउंडर है, आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, शायद बनाते हो आप लोग भी। जो मैं बना रही जा रही हूँ वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो चलिए दिखाते हैं। तो उसके लिए चाहिए, मैंने यहाँ पे चना दाल भिगोया है अभी। जब भी आपको बनाना हो उसे 10 मिनट पहले आप इसको भिगो लीजिए 5 मिनट। और उसके बाद मैंने यहाँ लिया टमाटर, प्याज और ये एक हरा मिर्चा, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन कूटा है, पेस्ट बनाया है। तो चलिए फिर बनाते हैं इसको। हम डालेंगे सरसों तेल, तेल हमारा हो गया गरम। अब हम इसमें डालेंगे ये तेज पत्ता 2 और इसमें जीरा। ये दोनों हमारा चल गया, और ये हरा मिर्च और प्याज ये दोनों हम एक ही साथ डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, प्याज को ज्यादा नहीं बस हल्का। और यहाँ हमारा हो गया बिल्कुल ब्राउन हो गया। टमाटर को हम 1 से 2 मिनट तक बस ऐसे चलाते रहेंगे और उसके बाद मसाला डालते हैं इसमें। ये हमारा हल्दी हो गया, ये कश्मीरी मिर्च पाउडर, यहाँ पे ये है मेरे मशरूम जो मैंने उसमें कूटा था, कि मैंने हल्का सा पानी डाल के अंदर उसमें डाल दिया। इसे अभी और मैं यहाँ पे मैंने गैस को अपने बिल्कुल भी स्लो कर दिया है, जिससे कि ये हमारा अच्छा से पक जाएगा। इसे हम ऐसे ही पकाएंगे 2 मिनट तक। ये मसाला हमारा बिल्कुल पक
इसमें का जो भी पानी था उसे मैंने हटा दिया, साफ कर ले एक बार और धो के। मैंने यहाँ इसमें डाल दिया है, फिर 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। और यहाँ पे ये हो गया हमारा 2 मिनट, बिल्कुल मसाला और चना का दाल है वो मिक्स हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने लिया है यहाँ पे 1 गिलास, क्योंकि हमें रोटी से खाना है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं पानी जितना आपको डालना है, जितना ठीक रखना है, गाढ़ा रखना है, उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं पानी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डालूंगी, मैंने यहाँ पे 1/2 गिलास से भी कम लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाढ़ा वाढ़ा लग रहा था। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके और 4 से 5 सीटी देंगे, ताकि हमारा गल जाए पूरा चना। और उसके बाद खोलेंगे गैस। तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, देखते हैं सीटी देने के बाद खोलते हैं गैस। और ये खुल गया हमारा कुकर का गैस। ये मैंने बनाया आलू का अचार। मैं इसका रेसिपी आप लोगों को बहुत जल्द दूंगी, ये बहुत टेस्टी होता है। और ये है मूली का अचार। तो ये बन गया हमारा नाश्ता। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इसे, ये बहुत टेस्टी लगता है। और जो आलू का और मूली का अचार का है, मैं उसका रेसिपी आप लोगों को बहुत जल्द दूंगी। मैंने इसका वीडियो बना लिया था, मेरी वजह से ये डिलीट हो गया, तो मैं दोबारा बना के आप लोगों को दूंगी। तो अभी हम करने जा रहे हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं आपसे। चेक भी दिया मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस और वो आएंगे सुबह में अब 3 बजे, क्योंकि अभी उनका इवनिंग शिफ्ट चल रहा है। इवनिंग मतलब नाइट ही चल रहा है,
अभी का मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया, धूप भी चला गया है और मैं डेली शाम को यहाँ बैठती हूँ और वो जो दिख रहा है आप लोगों को मेरे फूल और तुलसी का पौधा, मैं पास से दिखाती हूँ भी, वो जो दिख रहा है आप लोगों को ये मैंने लगा रखा है फूल, ऊपर में भी है और नीचे तुलसी का पौधा है और एक ये गुड़हल का फूल है। आज भी इसमें से फूल आए थे दो लगभग, और कल भी दो कली आ चुका है, आएगा कल भी फूल, डेली एक ना एक फूल आ ही जाता है। और मैंने एक मेरा बाल्टी जो टूट गया था मैंने उसी में लगा दिया है, अभी मैं पास से दिखाती हूँ उसका कली, ये देखिए ये आया है, ये कल फूल आ जाएगा, आज मैंने तोड़ा है यहाँ से और ये तुलसी में लगाया मैंने, ये देखिए ये फूल आया था जिसे मैंने आज यहाँ पे तुलसी पे चढ़ा दिया है, तो डेली एक ना एक फूल आ ही जाता। और ये है शाम हो गया, अब बाहर का मौसम भी ओके एकदम से, ये ग्राउंड में बच्चे भी आ गए हैं खेलने के लिए, अब ये खेलेंगे लगभग 1 घंटा और मैं यही कुर्सी पे बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंजॉय करना मौसम को। और आप सबको पता है कि हस्बैंड चले गए, हस्बैंड के जाने के बाद सभी लेडीज लोगों को पता होता है कि जो बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं या फिर हस्बैंड का ऑफिस होता है, जाने के बाद लगभग 1 घंटा कंटिन्यू हम लेडीज को काम मिल जाता है उनके जाने के बाद, किचन फैल जाता है, बेडरूम, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ फैला ही रहता है, उसको समेटते समेटते इधर का सामान उधर उधर का सामान रखते रखते में हो ही जाता है 1 घंटा, उसके बाद ही कहीं हमें टाइम मिलता है। तो कोई नहीं, हमारा तो लाइफ ही ऐसा ही है, हमें तो खुशी मिलती है इन सारी चीज़ों को, इन कामों को करके, क्योंकि अगर हमारी फैमिली खुश तो हम भी खुश, हमारे पास दूसरे है क्या, अगर हम हाउसवाइफ हैं तो यही तो है फैमिली को खुश रखना, और फैमिली खुश तो हम खुश, हम खुश तो हमारी फैमिली खुश, तो हमारा तो फंडा ही है, बस हम तो कोशिश करेंगे जैसे तैसे कैसे भी हो के हमारी फैमिली खुश रहे, हमारी वजह से फैमिली को कोई दुख ना पहुंचे, ये तो हमारी इंडियन जो लेडीज हैं उनको सबको पता ही है कि एक हाउसवाइफ एक लेडीज ही है जो पूरे फैमिली को संभाल सकती है, हस्बैंड लोग नहीं संभाल पाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैं कुछ नहीं समझती, काम बस काम तो काम काम है, काम करना है और क्या, हमारी लाइफ काम ही तो है। अगर हमें 8 दिन बोला जाए कि आप 8 दिन तक कोई काम मत नहीं करो, तुम्हें खाना भी बेड पे दिया जाएगा, पानी भी बेड पे दिया जाएगा, हर चीज तुम्हारा करके दिया जाएगा, तो ऐसे मतलब 5% लेडीज ही हैं जिन्हें ये सारे काम पसंद आएंगे, वो बोलेंगी हाँ, लेकिन हम जैसे लेडीज को तो 1 दिन अगर 1 घंटा कोई बोल दे कि तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो 1 घंटे में हम तो बोर हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, मेरा दिमाग काम ही नहीं करेगा, क्या करे, एकदम पागल पागल सा हो जाता है। तो ऐसी लेडीज भी हैं जिन्हें ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे काम करने में ही बहुत खुशी मिलता है, गुस्सा भी आता है तो गुस्सा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, आता है, बट दोनों है, गुस्सा भी है तो प्यार भी है, प्यार है तो गुस्सा है, दोनों तो एक साथ ही चलेंगे ना। तो अभी हो गया है शाम और हस्बैंड के जाने के बाद मैंने बर्तन धो के रख दिया है और किचन भी मैंने साफ कर दिया, और मेरा है आज फास्टिंग, तो मैं अभी मुझे अपने लिए कुछ बनाना है मीठा सा, और फिर शाम का पूजा है तो मैं कुछ बनाती हूँ और फिर खाते हैं, और कल फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ आप लोगों को, और प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो लोग भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास का जो बेल का आइकन है आप उसे भी दबा लीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए प्लीज, एक लाइक तो बनता ही है ना, अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर लगा दीजिए, जरूर कर दीजिए,
आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, और मेरे जो करीब है सबसे ज़्यादा वो आप ही लोग हैं, आप ही लोग के सहारे हैं हम, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम दोनों साथ ही तो हैं। तो ये वीडियो अब मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे काम है, तो मुझे अपने लिए कुछ बनाना भी है मीठा, क्योंकि मेरा फास्टिंग है, तो कुछ बना के मैं खाऊंगी, और उसके बाद शाम का पूजा भी है, तो मैं उन सब को करती हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आज एक दूसरा वीडियो जरूर बना के अपलोड करूँगी। सो गाइस, तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये रेसिपी अच्छा लगे, तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। सो गाइस, तब तक के लिए बाय।